welcome to Zachary Koo with me Zara, will bring you happiness. So in this video, I want to react to Arab in BRT Peshawar. Okay, let's start. اهلا وسهلا مرحبا يا حبيبي اهلا وسهلا مرحبا ويلكم تو ذا لاند اوف فيتيليتي وانس اجين يلا حبيبي يلا يا خالي تمام يا خالي يا خالي تمام زين चलो हबीबी को फिर से एक बार पेशावर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि कितना बदल गया पेशावर। मैं सियारा वाला नस्ताजर सियारा। ये कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी है या पिछली बार की तरह लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करना। लोकल ट्रांसपोर्ट मुअस्सलात आना। अरे किन सोचो में हो? المرة اللي فاتت تعبنا في المواصلات هل نستاجر سيارة الحين ولا كيف؟ ये कह रहा है कि रेंट की गाड़ी निकालते हैं, पिछली बार लोकल ट्रांसपोर्ट में बहुत मसला हुआ था। देखो हम लोग बहुत है और रेंट की गाड़ी में नहीं आ सकते। राजे चिजुदेजल बीआरटी के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैंने जू कार्ड जैसे कि परचेज कर लिया है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि पहले जो 5 किलोमीटर हैं उसके लिए हमें ये लोग 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे, उसके बाद हर 5 किलोमीटर पे ये 5 रुपीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास जू कार्ड नहीं है तो आपको एक जर्नी 50 रुपीज़ की कॉस्ट होगी। अच्छा तो गाइस हबीबी के साथ हम बीआरटी बस में सवार हो गए हैं। अभी हमारा इरादा ये है कि हबीबी को कम से कम टाइम में पूरा पेशावर दिखाएं, क्योंकि पिछली बार जब हबीबी आया था तो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट में, लेकिन इस बार हमने हबीबी का कर्ज चुकाना है तो इस वजह से अब हमारा पूरा कोशिश है कि हम हबीबी को पेशावर दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह हबीबी को हम यहाँ के ट्रेडिशनल खाने के लाएंगे। लेकिन हबीबी ने एक पोस्ट देखा था, यहाँ एक बंदा लटका हुआ था तो उसने बहुत मासूमाना से सवाल पूछे कि ये लटकने के लिए, फिर मैंने समझाया कि नहीं यार ये लटकने के लिए नहीं, खुद को स्टेबल करने के लिए। अच्छा तो गाइस, चूंकि हबीबी पेशावर में नया है और उसको पेशावर सिटी के बारे में कुछ नहीं पता और हमसे बहुत देर से क्वेश्चंस कर रहा था, तो हमने अपनी आसानी के लिए हबीबी को इंफोटेनमेंट स्क्रीन के सामने बैठा दिया, जो हबीबी को पूरे पेशावर के बारे में सब कुछ बता देगा, पूरे इंफॉर्मेशन दे देगा।
दफ़ा थोड़ा सा नाराज़ होकर गया था क्योंकि हमने वादा किया था कि हम आपको पूरा पेशावर घुमाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम था क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया था और हबीबी को हम बहुत सारी जगह ना दिखा पाए। लेकिन इस बार BRT के थ्रू हमने हबीबी को पेशावर के बहुत सारी जगह दिखाए। अभी मुइज़ आपको बताएगा हमने हबीबी को कौन कौन सी जगह BRT के थ्रू दिखाए। जी मुइज़, चमकनी से जब हमने सफ़र शुरू किया ना, सबसे पहले हमने किला बालासारों कवर किया, उसके बाद खैबर बाज़ार, उसके बाद अभी भी कहते हैं मुझे शुभा बाज़ार बताओ, मतलब इधर गाड़ी के स्पेयर पार्ट सस्ते मिलते हैं। शुभा बाज़ार से होकर हमने पिछाओ रेलवे स्टेशन, पिछाऊ यूनिवर्सिटी, पिछाऊ यूनिवर्सिटी, सदर बाज़ार हो गया, तेकाल हो गया, टाउन हो गया, ये सारे। और सबसे अच्छी जो बात है, पिशावर के जो तीन बड़े अस्पताल हैं, BRT उनके सामने से गुजरती है। तो दोस्तों, पीछे लगी स्क्रीन हमें नेक्स्ट चार स्टॉप के बारे में गाइड करती है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप खैबर बाज़ार है और हबीब भाई को लग गई जोरों की भूख, तो हम इनको लेके जाएंगे नमक मंडी और खिलाएंगे उधर का लजीज टिक्का। अच्छा तो गाइज, हम उतरे खैबर बाज़ार स्टॉप पे और हम आए अंदरूनी शहर और यहाँ पे हबीबी को मुख्तलिफ खाने के ला रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हबीबी। अंत हाजा खूबसूरत उन तंग कुसे उन अच्छा तो गाइज, अभी हम हबीबी को ले आए हैं नमक मंडी और कहते हैं कि पेशावर आओ और नमक मंडी ना खाओ तो फिर आगे आप लोग समझदार हो। अच्छा तो दोस्तों, हबीबी को हमने पेशावर के ट्रेडिशनल खाने खिला दिए और हिस्टोरिकल जगह बता दी। BRT ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारी जगह देखी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर का ख्याल रखें और इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि अपने शहर को नुकसान पहुँचाना ऐसे है जैसे ख़ुद को नुकसान पहुँचाना। पेशावर तरक्की कर रहा है, बहुत टाइम बाद डिवेलप हो रहा है, आइए मिलकर पेशावर को डेवलप करने में अपना फर्ज अदा करें। Wow, the BRT or Bus Rapid Transit in Peshawar, wow, it's so good. I know that Peshawar is the oldest city in Pakistan, and also this is historical place in Pakistan. It's so nice to travel to Peshawar to see the historical places and also try all the delicious foods. And we need the good facilitation, like the transportation. And now Peshawar has the BRT. So I think it will increase the tourist rate to travel to this Peshawar. And also this video was made by our Vines from Pakistan. This video was so entertain me. Alright guys, thanks for watching my video. But don't forget to like, comment and also subscribe. Okay, see you in the next video.